प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने व्याकरण का जो व्याकरण भाग पे है, व्याकरण का जो पांचवा हमारा 15वां पाठ है वो है रचनात्मक कार्य जो होता है। रचनात्मक कार्य में आज हम अनुच्छेद लेखन को करेंगे और सबसे पहला हमारा अनुच्छेद लेखन होगा मेरा जन्मदिन। तो इसे हम अपने शब्दों में ही लिखना आ सकता है, क्योंकि जो है परीक्षा में इससे मिलता जुलता कोई और अनुच्छेद आ जाए। तो अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद क्या होता है, इसमें हम एक शीर्षक के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। जैसे आज हम करेंगे मेरा जन्मदिन, तो मेरा जन्मदिन में आप अपने जन्मदिन में जो जो चीज़ें आप करते हैं, एक तो जन्म दिन कब मनाते हैं, सबसे पहला वह चीज़ है। जब जन्मदिन की बात आया तो हम क्या बताएंगे, आपको अपना जन्म तिथि बताना होगा। इस दिन बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं और स्कूल में भी अपने दोस्तों को, अपने अध्यापकों को टॉफियां बांटते हैं, ये तो सबको पता है। शाम को अपने रिश्तेदारों को या जो घर के जो गरीब जो दोस्त होते हैं उन्हें आप बुलाते हैं और केक काटा जाता है और बदले में आपको उस दिन उपहार मिलते हैं और आप इस दिन को तो एकदम यादगार के रूप में रखना चाहते हैं। तो ठीक वही चीज़ जो हम करते हैं उसे अपने शब्दों में लिखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, वे आपको उपहार देते हैं, उसके बाद आप जो पार्टी होती है उसका कैसे मज़ा लेते हैं और किसे अपना जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता, तो ये बात है। तो आज हमारा आज पहला अनुच्छेद रहेगा मेरा जन्मदिन। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि हम इसे लिख सकें, आप इसे साथ साथ ही लिखते जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद जो होता है, मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे एक ही अनुच्छेद में ही हमें सारे वाक्य लिखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में अंतर रहता है। निबंध जो होता है, एक तो शब्दों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, एक निबंध में बहुत सारे अलग अलग अनुच्छेद हो सकते हैं, अलग अलग अनुच्छेदों में निबंध बटा होता है। लेकिन जो हम कह रहे हैं जो निबंध था अनेक अनुच्छेदों में बटा होता है, लेकिन अनुच्छेद जो होता है वह एक ही अनुच्छेद का होता है और उसको हम वाक्यों का कुछ बच्चे लिखते हैं अनुच्छेद लेखन में गिनती करके वाक्यों की जो नंबरिंग करते हैं वो गलत होता है। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमारे जो वाक्य आएंगे वो एक अनुच्छेद में आएंगे और हम उनकी गिनती नहीं लिखा करेंगे कि एक दो तीन, ऐसे करके बच्चे 15 वाक्य लिख देते हैं, 10 वाक्य लिख देते हैं, 12 वाक्य लिख जाते हैं, तो ऐसे नहीं, उनकी गिनती नहीं करना। अनुच्छेद का मतलब ये कि ये सब एक अनुच्छेद में ही लिखा जाए। तो आज हम करेंगे मेरा जन्मदिन, ये अनुच्छेद है आज का। नोटबुक निकाल लीजिए, मेरा जन्मदिन। मैं अपना जन्मदिन, तो आज हम सब बच्चे इसमें अपना जन्मतिथि डालेंगे, तो ये सबका सबके अनुसार ये लिखा जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं अपना जन्मदिन, मैं अपना जन्मदिन अभी जो है ये हर बच्चा अपने अनुसार लिखेगा।
जैसे आज हम तो मैं तो आज ही का डेट डाल देता हूँ। आज है 3 सितंबर, को मनाता हूं या मनाती हूं, को मनाता हूं। लड़कियां लिखेंगे मनाती हैं, तो मैं पुल्लिंग के अनुसार लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूंगा कि आपको कहाँ कहाँ इसमें परिवर्तन करना है। तो ये तो हर बच्चा अपने जन्म तिथि के अनुसार इसे लिखेगा, मैं तो आज की तिथि के अनुसार इसको लिख रहा हूँ। मैं अपना जन्मदिन 3 सितंबर को मनाता हूँ। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि लिखनी है, और महीना कुछ भी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, सितंबर हो सकता है, तो आप इसे लिखेंगे। और जो कर्ता का जो लिंग क्रिया जो है वो पुल्लिंग के हक लिखा हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी मैं अपना जन्मदिन 3 सितंबर को मनाती हूँ, और ये तिथि भी आप आपके अनुसार हो, इसीलिए मैंने इसको रेखांकित किया। आपको इसको रेखांकित करने की जरूरत नहीं, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे इसको रेखांकित भी कर देते हैं, तो मैं मिटा देता हूँ। इसको कोई रेखांकित करने की जरूरत नहीं है, ये साधारण वाक्य है, लेकिन आप इसमें अपना जन्मतिथि लिखेंगे, कोई अंडरलाइन करने की रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बच्चे इसको रेखांकित करने लगते हैं, अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसमें अपना अपना सही जन्मतिथि लिखेंगे जब आप जन्मदिन मनाते हैं। अगला है, इस दिन और कोई भी वाक्यों की क्रम संख्या नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ क्रम संख्या लिखने लगते हैं, गलत है, हमें कोई भी क्रम संख्या नहीं लिखेंगे। इस दिन मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी स्कूल जाती हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, लड़कियाँ लिखेंगी स्कूल जाती हूँ, मैं पुल्लिंग के अनुसार लिख रहा हूँ, जाता हूँ। तो ये हर जगह यही देखा जाता है कि बच्चों को एक दिन तक, एक उस दिन के लिए जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, बहुत से स्कूलों में वे अपने मनपसंद कपड़े का, यहाँ तक कि यूनिफॉर्म की जगह अपने मनपसंद ड्रेस को पहन के वे जा सकते हैं, एक चलन है, ताकि बच्चा उस दिन को खास अनुभव कर सके। ये देखा भी गया होगा और आप करते भी हैं कि इसके अंदर एक दिन के लिए उस बच्चे के लिए ये छूट दी जाती है कि वो अपना स्कूल का यूनिफॉर्म ना पहनकर अपने मनपसंद का कपड़ा पहन सकता है। ये छूट केवल एक दिन के लिए है, उसके जन्म दिवस के लिए स्कूल की तरफ से छूट दी जाती है, और बच्चे इसको बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चे बड़ा मज़ा लेते हैं कि अरे आज मैं खास दिन है, मैं खास अपने मनपसंद का कपड़ा पहन के आया हूँ, और जो भीड़ में भी अलग से वो नज़र आ जाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा वाक्य, और इसमें आपको अपने लिंग के अनुसार परिवर्तन करना है। मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी जाती हूँ। इस दिन अपने अध्यापकों को
अपने अध्यापकों को अध्यापकों को टॉफियां देती हैं, टॉफियां देती हूँ या लड़कियां लिखेंगे, लड़के लिखेंगे देता नहीं, तो टॉफी बांटने का जो प्रचलन है वो तो बहुत साल पुराना है। लोग टॉफी अपने क्या करते हैं, बच्चे अध्यापकों को टॉफियां देते हैं, अपने जो सहपाठी हैं जो साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी टॉफियां बांटते हैं, और ये चलन बहुत पुराना है। जब मैं छोटा था तभी भी ये चलन चलता जा आ रहा है, और आज भी बच्चे अपने जन्मदिन में अध्यापकों को टॉफियां बांटते हैं, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को, क्लास के जो बच्चे हैं उनको, सहपाठी साथ पढ़ने वाले उनको टॉफियां बांटते हैं। और मुख्य जो कार्यक्रम होता है वो शाम को होता है, सबको पता है, जब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, पास के जो दोस्त होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो मैं टॉफियां देता हूँ, विद्यालय में अपनी कक्षा में टॉफियां बांटता हूँ। पूरे विद्यालय में ना सही तो कम से कम अपने कक्षा में तो हम बांटते ही, तो विद्यालय में अपनी कक्षा में विद्यालय में अपनी कक्षा में टॉफियां बांटता हूँ, टॉफियां बांटता हूँ, तो बच्चे अपनी कक्षा में टॉफियां बांटते हैं। तो ये चलन मैंने आपको बताया बहुत पुराना है, और आज भी उसी तरह लगातार चले जा रहा है। अब अलग अलग तरीके से लोग अपने जन्मदिन को घर पे मनाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, आपने सुना होगा, कुछ लोग शाम को ईश्वर की आराधना भी करते हैं, तो कुछ बच्चे लिख भी सकते हैं कि मेरी मम्मी या मेरी माँ शाम को घर पर हवन करती है, घर पर रिश्तेदार तथा मेरे दोस्त आते हैं, घर पर रिश्तेदार तथा मेरे दोस्त आते हैं, तथा मेरे दोस्त आते हैं,
इसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, कुछ लोग उस दिन को शुभ दिन मानते हैं, पूजा पाठ भी किया जाता है, और जैसा कि उसमें कहा गया है कि कभी कभी घर में हवन होता है और रिश्तेदार और दोस्त भी आते हैं। उस दिन शाम को अपने जो दोस्त होते हैं उनको बुलाया जाता है, रिश्तेदार जो होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। उसके बाद अगला वाक्य हम लिखेंगे, फिर केक काटा जाता है। फिर केक काटा जाता है, फिर केक काटा जाता है, केक पर मेरा नाम लिखा होता है, केक पर मेरा नाम लिखा होता है, लिखा होता है। तो केक काटकर जन्मदिन मनाना जो है वो काफ़ी प्रचलित भी है। आजकल सभी बच्चे अपने जन्मदिन पर केक काटना पसंद करते हैं, तो और केक पर उनका नाम लिखा होता है, तो बच्चे कोई ख़ास फील करते हैं कि मेरे नाम का केक है, और बड़े इसको ध्यान से सजाया जाता है, नाम लिखा रहता है, तो पता चल जाता है कि ये इसका जन्मदिन है। तो ये यहाँ तक कि बच्चे इसके लिए बहुत पहले से दुकान में ऑर्डर दे देते हैं, इस दिन इतने बजे मुझे केक चाहिए, केक पे मेरा नाम होना चाहिए और इस तरह का केक बनना चाहिए, तो अलग अलग आकार में अपने अनुसार, अपनी कितनी बड़ी पार्टी रखनी है उसके अनुसार उस केक का ऑर्डर दिया जाता है। तो ये है हमारा तरीका। अब आगे चलते हैं, अगला है हमारा, सभी मुझे उपहार देते हैं, सभी सभी मुझे उपहार देते हैं, सभी मुझे उपहार देते हैं, और हैप्पी बर्थडे गुरु कहा जाता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। तो जन्मदिन की बधाई हैप्पी बर्थडे टू यू कह करके दी जाती है, और बच्चे जवाब में धन्यवाद करते हैं। तो एक बार इसको मिटाने से पहले एक बार फिर से इसे पढ़ लिया जाए। आप इसे बड़े साफ एक ही अनुच्छेद में लिखें। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, हर वाक्य का नंबरिंग करने लगते हैं, हर वाक्य का क्रम संख्या लिखने लगते हैं, ऐसा गलत है। अनुच्छेद का मतलब ही होता है कि हमें एक अनुच्छेद में उस विचारों को रखा जाता है। अनुच्छेद तो अधिकतर छोटा होता है, अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों में लिखा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं करीब 10-15 वाक्यों में अनुच्छेद लिखा जाता है। तो इसमें अलग अलग अनुच्छेद नहीं बनाते, निबंध में होते हैं, निबंध में 8-10 अनुच्छेद होते हैं, और उसमें अलग अलग भाव के लिए अलग अलग अनुच्छेद रखा जाता है।
फिर उपसंहार होता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। हमें एक ही अनुच्छेद में अपने विचार उस विषय पे, जैसे शीर्षक है मेरा जन्मदिन, तो 10 या 10, 12, 15 जो वाक्य होते हैं वो लिखने होते हैं, उनकी नंबरिंग नहीं करना है। कुछ बच्चे अभी भी इसमें कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग नहीं लिखते, एक अनुच्छेद में हम लिखेंगे पूरा का पूरा। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से इसे देखिएगा, फिर मैं मिटा करके, पूरा अभी नहीं हुआ है, और दिखाऊंगा। मैं अपना जन्मदिन 3 सितंबर को मनाता हूँ, तो आप यहाँ बदल देंगे, मैंने आज की तारीख लिख दी है। सब बच्चे का जन्मदिन अलग अलग तिथि पे होता है, तो बताने की ज़रूरत नहीं, तो आप अपने यहाँ बदलाव करेंगे, और लड़कियाँ यहाँ मनाती हूँ लिखेंगी, क्योंकि मैंने पुलिंग के अनुसार पूरा अनुच्छेद लिखा है। तो जहाँ जहाँ ये है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, मैं अपना जन्मदिन 3 सितंबर को मनाता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी मनाती हूँ, और इसमें सब बच्चे अपने परिवर्तन करेंगे 3 सितंबर। इस दिन मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल जाता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी स्कूल जाती हूँ। मैं इस दिन अपने अध्यापकों को टॉफियाँ देता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी देती हूँ। विद्यालय में अपनी कक्षा में टॉफियाँ बांटता हूँ, यहाँ पे लड़कियाँ लिखेंगी बांटती हूँ। मेरी माँ शाम को घर पर हवन करती हैं, घर पर रिश्तेदार तथा मेरे दोस्त आते हैं, फिर केक काटा जाता है, केक पर मेरा नाम लिखा होता है, सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। तो ये है हमारा, अब मैं मिटा के देखता हूँ, आगे 2 और वाक्य हैं, 2-3 वाक्य छोटे छोटे हैं, इनको भी लिखा जाए। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, मेरी मम्मी या मेरी माँ, हमने माँ लिखा तो यहाँ लिखेंगे मेरी माँ, सबको केक के साथ, सबको केक के साथ, केक के साथ बहुत सी खाने की चीजें, बहुत सी खाने की चीजें, खाने की चीजें, चीजें देती हैं, खाने की चीजें देती हैं। तो केक तो खिलाया ही जाता है मेहमानों को, और उसके साथ भी खाने की चीजें दी जाती हैं। तो हम कहेंगे मुख्य व्यंजन तो एक केक हो गया, और उसके अलावा भी आजकल आपको पता है और भी खाने की चीज़ें दी जाती हैं, ताकि बच्चे उसको उसका उत्साह से मना सके, एंजॉय कर सके। तो अगला एक और वाक्य लिखते हैं, और जो पार्टी होती है उस पार्टी के बारे में लिखते हैं कि इस दिन बच्चे थोड़ी देर नाचते भी हैं, खुशी दिखाने का एक तरीका है नाच, आपको पता ही है। और इस दिन सब बच्चे थोड़ी देर नाचते हैं,
अपना जन्मदिन। और अंतिम वाक्य, अपना जन्मदिन मुझे बहुत अच्छा लगता। ये हमारा अंतिम वाक्य है, अपना जन्मदिन। अपना जन्मदिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपना जन्मदिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। आज हमने अनुच्छेद लेखन में आज हमारा क्या शीर्षक था, आज हमारा शीर्षक था मेरा जन्म। और इसमें हमने करीब 12 लाइनें लिखी हैं, 12 वाक्य लिखे। तो याद करते समय याद रखिएगा, परीक्षा में आप वाक्यों की नंबरिंग नहीं करेंगे। कुछ बच्चे उसको 1, 2, 3, 4 करके 12 तक लिख देते हैं। अब इसको हम एक अनुच्छेद में लिखेंगे, एक पैराग्राफ में लिखेंगे, उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे। और अगर आप कोई चीज़ एक वाक्य भूल जाते हैं, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। वाक्य छोटा होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से सही होना चाहिए, और उसमें कम से कम गलती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा दिया उसे ही तोते की तरह रट लिया जाए और वही परीक्षा में लिख दिया जाए। तो ज़रूरी भी नहीं है कि यही आपके परीक्षा में भी आए, इससे मिलता जुलता भी आपको दिया जा सकता है। जैसे मेरे मित्र का जन्मदिन, अनुच्छेद लेखन में ऐसे भी आ सकता है, मेरे मित्र का या मेरे सहेली का जन्मदिन, मेरे मित्र का या मेरे दोस्त का, दोस्त का तो दोनों में ही काम आ जाए, मेरे दोस्त का जन्मदिन। तो अगर ऐसा आ गया तो आप उसके अनुसार लिखेंगे। अब इसमें आपको बदलाव कर देना पड़ेगा। तो इस तरह के लिए भी हम तैयार रहेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही अनुच्छेद आपको पूछा जाए, इससे मिलता जुलता एक अनुच्छेद बनाया जा सकता है और परीक्षा में दिया भी जाएगा। तो एक उदाहरण मैंने दे दिया, एक इसको याद करेंगे आप, और एक दो अनुच्छेद अपने अनुसार लिखिए कि मेरे दोस्त का जन्मदिन, इसको रफ कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, पहले इसको याद कर लीजिए। तो क्या होगा, आपको एक तो आ गया अपना जन्मदिन आप कैसे मनाते हो, तो ठीक ऐसा ही जन्मदिन तो आपका दोस्त भी मनाता होगा, वो भी तो कोई अलग नहीं मनाता होगा। तो इस तरह पे आप कैसे अनुच्छेद लिख पाएंगे, आप अपने दोस्त का जन्मदिन के लिए अपनी जन्मतिथि की जगह उसकी जन्मतिथि आप डालेंगे, वो भी स्कूल में टॉफियां बांटता होगा, वो भी अध्यापकों को अपने दोस्तों को टॉफियां देता होगा, वो भी नए कपड़े पहनकर आता होगा, आपको उसका नाम बताना है, उसकी जन्मतिथि बतानी है, आपका दोस्त है इतना तो आपको पता ही होगा। और शाम को वह भी अपने रिश्तेदारों को बुलाता होगा और आपको बुलाता होगा। तो किस तरह से आप ऐसे भी अनुच्छेद आपको लिखने, इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए कि अगर मेरा जन्मदिन पूछा गया है तभी भी मैं लिख सकता हूँ, अगर परीक्षा में शीर्षक बदल दिया गया अनुच्छेद का कि आपके मित्र का जन्मदिन, तो मित्र का या दोस्त का जन्मदिन, तो आप लगभग यही चीज़ डालेंगे, उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। वे भी शाम को पार्टी देता होगा, उसकी भी माँ जो है केक के साथ अन्य खाने की चीज़ें देती होगी, और उसे भी अपना जन्मदिन बहुत अच्छा लगता होगा। तो ये सब चीज़ें, तो मुख्य सब चीज़ें यही रहेंगी। तो इस बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है, और इस तरह से भी आज करेंगे। तो आज हमने अनुच्छेद लेखन सीखा, कल मैं एक और अनुच्छेद आपको बताऊंगा, वो रहेगा मेरा कुत्ता। एक पालतू जानवरों पे भी एक अनुच्छेद होना चाहिए, या फिर मेरा मित्र भी हो सकता है। तो ये इसके लिए आप तैयार रहेंगे, और उससे मिलता जुलता अनुच्छेद भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आज का आपका गृह कार्य है, इसको नोटबुक में अच्छी तरह सुंदर लिखाई में लिखना है और याद कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।